अभी नेक्स्ट ईयर से सिटी बैंक, एचडीएफसी, एएनजेड ग्रिंडलेज, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, ये सभी बैंक खुले आम अपनी शाखाएं खोलेंगे। वो शाखाएं खोलेंगे कहां? किसी गांव में नहीं, और वो शाखाएं खोलेंगे ऐसी जिसमें आप 50 रुपए डिपॉजिट करा के अकाउंट नहीं खुला सकते। उनके लिए मिनिमम है 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 40,000। आपकी भारत की जो स्टेट बैंक है या भारत की जो बैंक है वो तो गांव में भी जाके शाखा खोलती है, क्योंकि उसको सर्विस देनी है, बिजनेस नहीं करना है, सर्विस देनी, इनको बिजनेस करना है। तो वो बड़े बड़े शहरों में शाखाएं खोलेंगे, बंबई है, कलकत्ता है, मद्रास है, हैदराबाद है, कोयम्बतूर है, चेन्नई है, वगैरह वगैरह। और उनमें जो क्रीमी लेयर है भारत का, जिनके पास थोड़ा पैसा, उनके डिपॉजिट रख के उस पर काम करेंगे। और वो डिपॉजिट को कहां इन्वेस्ट करेंगे वो आप भी नहीं रोक सकते और तय भी नहीं कर सकते। तो आपके देश की खून पसीने की कमाई, पूंजी जो डोमेस्टिक सेविंग्स है, वो विदेशियों के हाथ में आप दे देंगे। इसी तरह से बीमा के क्षेत्र में वो आएंगे, इसी तरह से हर क्षेत्र में वो घुस जाएंगे। और इस तरह से घुस के वो क्या कर सकते हैं भारत का, एक उदाहरण देके मैं मेरा व्याख्यान खत्म करता हूं। क्या कर सकते हैं अभी देखिए, भारत में सेवा के क्षेत्र में, खेती के क्षेत्र में और एजुकेशन आदि आदि में विदेशी कंपनी ज्यादा नहीं आए हैं, अगले साल से आना शुरू होंगे। अभी ज्यादा विदेशी कंपनी आए हैं टूथपेस्ट बेचने के लिए, टूथ पाउडर बेचने के लिए, सॉफ्ट ड्रिंक बेचने के लिए। अभी वो क्या कर सकते हैं हिंदुस्तान में आके, इसका ही एक उदाहरण देता हूं। सॉफ्ट ड्रिंक बिजनेस में अमेरिका के दो कंपनी आए हैं, पेप्सी कोला, कोका कोला, दोनों मार्केट में 14 साल से जहर बेच रहे हैं, ये सिद्ध हो गया। 1997 से तो हम चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि ये लहर पेप्सी नहीं जहर पेप्सी है। मैं 1997 से हर पब्लिक मीटिंग में कह रहा हूं लहर पेप्सी नहीं जहर पेप्सी। 1997 से हर पब्लिक मीटिंग में मैं कह रहा हूं कि ये ठंडा नहीं है, टॉयलेट क्लीनर है। लेकिन पिछले साल भारत की सभी बड़ी प्रयोगशालाओं ने यह सिद्ध कर दिया है कि पेप्सी कोक टॉयलेट क्लीनर है और वो जहर है, प्रयोगशालाओं ने सिद्ध कर दिया। भारत की सबसे बड़ी प्रयोगशाला CFTRI, सेंट्रल फूड फॉर टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, उन्होंने सिद्ध कर दिया कि यह जहर है, और ये भी कहा कि यह टॉयलेट क्लीनर से भी ज्यादा खराब है। CFTRI तो ये कहता है कि पेप्सी कोक टॉयलेट क्लीनर से भी ज्यादा खराब है। दूसरी लेबोरेटरी CSE, उन्होंने सिद्ध कर दिया। फिर भारत सरकार की लेबोरेटरी CFL, उन्होंने सिद्ध कर दिया। भारत की 5-6 लेबोरेटरीज और सभी साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन मान रहे हैं कि पेप्सी कोक जहर है, 14 साल से इस देश में बिक रहा है, लेकिन भारत सरकार की हिम्मत नहीं है पेप्सी कोक के खिलाफ कोई एक्शन लेने की, किसी भी सरकार की हिम्मत नहीं है। अभी थोड़े दिन पहले तक NDA सरकार चल रही थी, जिसमें बहुत ज्यादा लोग स्वदेशी भक्त हैं और स्वदेशी के नारे लगाने वाले हैं, उनका भी एक्शन लेने का हिम्मत नहीं था पेप्सी कोक पर, और उनके भी मंत्रियों ने पेप्सी कोक को क्लीन चिट दिया पार्लियामेंट के अंदर। अभी NPA सरकार आ गई है, उसकी तो बिल्कुल ही हिम्मत नहीं है पेप्सी कोक के खिलाफ कोई। वैज्ञानिक कह रहे हैं कि ये जहर बेच रहे हैं 14 साल से, और भारत के किसानों ने सिद्ध कर दिया है। भारत के बहुत सारे गांव के किसानों ने पेप्सी कोक स्प्रे किया है और सब कीड़े मर गए हैं, सब जंतु मरे हैं फसल के। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि ये पेस्टिसाइड है, पेप्सी कोक नहीं है, सॉफ्ट ड्रिंक नहीं है। ये सब कुछ सिद्ध हो जाने के बावजूद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ताकत नहीं है कि पेप्सी कोक का लाइसेंस कैंसिल करे। अभी तो भारत के सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, हाई कोर्ट ने कह दिया, सबने कह दिया। 97 में जब हम ये बात कहते थे तो लोग हमें पागल कहते थे, अब 2004 में सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है, हाई कोर्ट ये कह रहा है, CFTRI ये कह रही है, CFL ये कह रही है, सभी साइंटिफिक बॉडीज ये कह रही हैं कि ये पेप्सी कोक नहीं है, जहर है, क्योंकि उसमें DDT है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड है, मेलाथियन है, क्लोरोपाइरीफॉस है, ये चारों खतरनाक कीटनाशक पेप्सी कोक में मिले हुए हैं और हमारी शरीर की क्षमता से 87 गुना ज्यादा है। माने हमारे शरीर की जो टॉलरेंस लिमिट है उससे 87 गुना ज्यादा जहर पेप्सी कोक थम्सअप में है, ये रिपोर्ट कहती है। तो भी सरकार की हिम्मत नहीं है लाइसेंस रद्द करने की। आप सोचिए कि जब दो अमेरिका की कंपनी के खिलाफ भारत सरकार कुछ नहीं कर पा रही है तो हजारों अमरीकी कंपनी अगले साल से घुस जाएगी, भारत सरकार क्या करेगी? दो के खिलाफ कुछ नहीं करने की हिम्मत है उनकी, जो सिद्ध हो गया है कि ये जहर बेच रहे हैं। तो सरकारों की हिम्मत और ताकत तो इन कंपनियों के सामने कुछ भी नहीं है। और ऐसी कंपनी आके भारत पे अगर छा गई तो सारा रूल तो वो करेंगे, रेगुलेशंस वो बनाएंगे, कानून वो तय करवाएंगे, संसद में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए वो तय करेंगे। सरकार तो कुछ नहीं, सरकार तो पपेट हो जाएगी, कठपुतली हो जाएगी उनके हाथ की। एक और उदाहरण देता हूं, एक अमेरिका की एनरॉन कंपनी आई थी, बोगस और फ्रॉड कंपनी, जो अमेरिका में बोगस थी, फ्रॉड थी, यूरोप के कई देशों में बोगस थी, फ्रॉड थी,
वो महाराष्ट्र में आके कितने बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट करने का सारा उन्होंने ढिंढोरा पीटा और महाराष्ट्र सरकार ने क्या क्या सुविधा नहीं दिया उस एनरॉन को। और ऐसे लोग महाराष्ट्र में जो कहा करते थे कि हम इसको उठाकर अरब सागर में फेंक देंगे और ये कर देंगे, उन्हीं लोगों ने उसको लाइसेंस दे दिया। और उसे एनरॉन के लाइसेंस को कैंसिल करवाने के लिए कोर्ट को बीच में आना पड़ा, सरकार की हिम्मत नहीं थी उसका भी करने के लिए, अदालतों ने हस्तक्षेप किया, तब जाके ये सारा प्रोजेक्ट रुका। बाद में पता चला कि कंपनी ही बोगस थी, फ्रॉड कंपनी थी। अब वो बोगस और फ्रॉड कंपनी आती है और भारत में पावर प्रोजेक्ट के नाम पर शेयर्स फ्लोट करे, हजारों करोड़ रुपए आपके मार्केट से उठा ले, जिसने जिंदगी में एक यूनिट भी बिजली नहीं बनाया हो वो भारत में हजारों करोड़ का पावर प्रोजेक्ट चला ले, ये कितनी बड़ी विडंबना। और एक ऐसे देश में जहां सत्ता बहुत बिकाऊ है और नेता सब गधे और घोड़े के माफिक बिकने को तैयार हैं, और ऐसे देश में जहां के नेताओं को कुछ ज्यादा इन सब अंतरराष्ट्रीय विषय के समझौतों की समझ भी नहीं है, आप गेट करार के बारे में बात करिए, आपके लाइन से खड़े कर दीजिए एमपीज और एमएलए को, बात करके देखिए उनसे गेट करार के बारे में क्या बात करते हैं वो आपसे। वो कहेंगे हाँ कुछ सुना तो है लेकिन क्या है हमें माहिती नहीं। जिनको सबसे ज्यादा माहिती होनी चाहिए उनसे बात करके देख लीजिए, आप मंत्रियों से बात कर लीजिए, एमपी एमएलए की छोड़ता हूं मैं, आपके कॉमर्स मिनिस्टर से बात कर लीजिए, फाइनेंस मिनिस्टर से बात कर लीजिए, स्टेट के चीफ मिनिस्टर से बात कर लीजिए, आपको गेट एग्रीमेंट के बारे में कुछ मालूम है, कभी कॉमा फुल स्टॉप उसका देखा है आपने। वो कहेंगे जी हमें क्या जरूरत है मालूम होने की, ये तो सरकारी अधिकारियों को मालूम होना चाहिए। और सरकारी अधिकारी किस तरह के हैं वो आप जानते हैं, हिंदुस्तान का सरकारी अधिकारी सगा उसका है जहां से पैसा मिलता है। हिंदुस्तान के सरकारी अधिकारियों के घर में आजकल सीबीआई वालों ने रेड डालना शुरू किया है, एक क्लर्क लेवल के अधिकारी के घर में 4 करोड़ मिल गया, 5 करोड़ मिल गया, 6 करोड़ मिल गया, वो सरकारी अधिकारी क्या करने वाला है, वो तो वही करने वाला है जो घूस कराएगी रिश्वत कराएगी उसको। तो करप्ट हमारी ब्यूरोक्रेसी है और उससे भी ज्यादा करप्ट हमारी ये जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, इतने करप्शन में डूबी हुई है। उस स्थिति में अगर बाहर की कंपनियां आती हैं और यहां से लूट के ले जाना शुरू करती हैं और उस लूट का थोड़ा हिस्सा अधिकारियों को मिलने लगे और नेताओं को मिलने लगे, वो तो उन्हीं के बात करेंगे, उन्हीं के बोलेंगे, उन्हीं के फेवर में जाएंगे, वो आपकी बात नहीं करेंगे, मेरी बात नहीं करेंगे, तो देश बंधुआ हो जाएगा। और मुझे दुख इस बात का है कि ऐसे ही खतरनाक काम कभी अंग्रेजों ने किए थे इस देश में गुलाम लाने के लिए, गुलामी लाने के लिए, अब वही खतरनाक खेल इस देश में आजादी के 56-57 साल के बाद हो रहे हैं। आज भी इस देश में 4,500 से ज्यादा विदेशी कंपनी तो आ चुकी है, हजारों करोड़ रुपए लूट के ले जा रही है, पेप्सी कोला है, कोका कोला है, कोलगेट, पामोले, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, रैकेट एंड कोलमैन, जॉनसन एंड जॉनसन, अब अगले साल से और ज्यादा आएंगे, और खुली छूट मिलेगी लूट करने की, और ज्यादा पैसा यहां से लेके जाएंगे। अल्टीमेटली क्या होगा, जो ईस्ट इंडिया नहीं कर पाया इस देश में वो अब ये कंपनियां करेंगी। और इसमें सबसे ज्यादा जो पीड़ित होने वाला वर्ग है वो किसान है, मजदूर है, कमजोर वर्ग है भारत, जो सबसे ज्यादा कमजोर वर्ग है उसी को सबसे ज्यादा इसकी तकलीफ होने वाली है। और दुर्भाग्य से सबसे ज्यादा कमजोर वर्ग इस देश में सबसे ज्यादा असंगठित है, उसका संगठन नहीं है, इसलिए चुपचाप धीरे धीरे या तो वो साइडलाइन हो जाएगा या आत्महत्या करके सार रास्ते से हट जाएगा, रास्ता इनके लिए खुल जाएगा, ये स्थिति देश के सामने है। अब प्रश्न उठता है कि फिर हम क्या करें। मैं आपसे निवेदन करने ये आया हूं कि आपको ही कुछ करना पड़ेगा और कोई इस देश में कुछ करने वाला नहीं है। आप राजकीय पक्षों से कोई भी अपेक्षा मत करिए कि वो कुछ करेंगे। राजकीय पक्षों को कुछ करना होता तो 10 साल से ये गेट करार साइन होके पड़ा हुआ है, कुछ उन्होंने किया होता। और पिछले 10 साल में हिंदुस्तान के हर राजकीय पक्ष को सत्ता चलाने का मौका मिला है इस देश में, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ऐसा कोई राजकीय पक्ष नहीं बोल सकता कि हमको सत्ता चलाने का मौका नहीं मिला। अगर इनको कुछ भी करना होता तो ये कर सकते थे। आप बोलेंगे क्या कर सकते थे, ये कर सकते थे वो काम जो अमेरिका ने किया। मैंने आपसे कहा ना, अमेरिका ने क्या किया, संविधान संशोधन कर लिया, संविधान संशोधन करके गेट करार साइन किया। अब गेट करार की जो खराब बातें हैं अमेरिका उसको नहीं मानेगा, आप कुछ नहीं कर सकते उसका, क्योंकि वो कह रहे हैं और ऑलवेज अमेरिकन लॉ विल प्रिवेल, उन्होंने संशोधन कर लिया, वो कहते हैं हमारा संविधान ऊपर है। हम भी ये कर सकते थे, हमारे राजकीय पक्षों को कुछ करना होता तो वो भी ये कर सकते थे। और आप बोलोगे कि राजकीय पक्षों को ये बात किसी ने बताई नहीं, ये मैंने बताई है। हिंदुस्तान की जितनी भी वर्तमान राजनीतिक पार्टियां हैं जो सेंट्रल लेवल पे काम करती हैं, उनके हर बड़े नेता से मैं मिला हूं,
कम से कम 250 ऐसे नेता हैं जो जीवित हैं इस देश में, जिनको मैं व्यक्तिगत रूप से मिला हूं, जा जाकर मैंने ये गेट एग्रीमेंट की फोटोकॉपी करके उनको दिया है, इस पे जिस्ट लिख कर दिया है कि देखिए ये खराब है, ये खराब है, ये खराब है, इसको बदलवाइए नहीं तो। लेकिन किसी ने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया, कोई रस भी नहीं लिया। और इसमें से दुर्भाग्य की बात यह है कि जिन 250 एमपीज को, जो बड़े नेता हैं इस देश में, जिनको मैं मिला, मैक्सिमम ने गेट करार की कॉपी मुझे वापस दे दिया कि ये आप ही पढ़िए, आप ही रखिए, आप ही स्टडी करिए और आप ही जन जागृति लाइए, हमारे बस का नहीं है ये सब। मैंने कहा भाई आप तो करोड़ों रुपए लेते हैं इस देश के लोगों के खून पसीने की कमाई के टैक्स का, आपका तो पहला धर्म बनता है ये सब लोगों को बताना, समझाना, जन जागृति लाना। वो कहते हैं ना हमको ये समझता है, ना हम इसको बात कर सकते हैं, ये आपका ही काम है, ये आप करिए। मैंने मेरे लिए, ना मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, ना मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हूं, ना मैं किसी म्यूनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन का कॉरपोरेटर हूं, ना ग्राम सभा का सरपंच हूं, ना कहीं पंचायत का सदस्य हूं। मुझे कहते हैं कि तुम ये करो, और जिनको ये जिम्मेदारी है, जिनके ऊपर हम हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, इसी के लिए जाते हैं संसद में, लोकसभा में, विधानसभा में, वो करने को तैयार नहीं है। कारण क्या है? दो बड़े कारण है। एक तो ये है कि मेजोरिटी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, एमएलएज, एमपीज में इस गेट करार को लेकर, डब्ल्यूटीओ को लेकर कोई समझ नहीं है, किसी ने अध्ययन भी नहीं किया है, अभ्यास भी नहीं किया है, और उनकी शायद कैपेसिटी भी नहीं है इसको समझने की, अभ्यास करने की, अध्ययन करने की। क्योंकि हिंदुस्तान की संसद का जिस तरह का कॉन्फ्यूगरेशन है, आप देख लो, हिंदुस्तान की संसद में ऐसे बहुत सांसद हैं जिनको तिहाड़ जेल में होना चाहिए था, मंत्री बन के बैठे हैं, नोटेड क्रिमिनल्स और हिस्ट्री शीटर हैं। उनसे आप कल्पना करेंगे वो गेट करार को समझेंगे और इस पे कोई बात करेंगे संसद? बहुत सारे चीफ मिनिस्टर ऐसे हैं इस देश में जो हिस्ट्री शीटर हैं, जिनको जेल में होना चाहिए था। एमएलएस तो ऐसे हिंदुस्तान में 50% से ज्यादा जो क्रिमिनल्स हैं, नोटेड क्रिमिनल्स, और ऐसे क्रिमिनल्स नहीं है छोटे मोटे, मर्डर करवाए हैं, रेप किए हैं, किसी को लूटा है, किसी का घर जलाया है, गंभीर अपराध जो माने जाते हैं इस देश में, वो सब करने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों के बीच में आप कल्पना करें गेट करार पे बात हो, शायद नहीं हो पाएगी। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि लोगों के बीच में जाएं और लोगों को इस बात के लिए प्रेरित करें कि भाई आप इसको समझ लो। फिर लोग कहेंगे ठीक है हमने समझ लिया, अब क्या करें? अगर कोई समस्या हमें समझ में आ जाए तो समाधान क्या है वो भी समझ में आ जाएगा। मान लीजिए शेतकरी भाइयों के लिए, शेतकरी बांधवों के लिए ये गंभीर समस्या है गेट एग्रीमेंट। जब मैंने इसको समझना शुरू किया तो उसमें से समाधान भी मेरे समझ में आ गया, और इसका सबसे सरल समाधान है, भारत के 70 कोटी शेतकरी बांधवों को अगर बचाना है गेट करार से, तो उनको एक ही बात के लिए प्रेरित करो कि तुम खेती करना शुरू करो सेंद्रिय पद्धति से, सेंद्रिय खत वापरो, यूरिया, डीएपी, सुपर फॉस्फेट बंद कर दो, और ये परदेशी कंपनियों के बीज वापरना बंद कर दो, ये मॉन्सेंटो का बीज, ये कारगिल का बीज, ये उसका बीज, और ये सब बीज वापरना बंद कर दो, तुम्हारे बीज तुम बनाओ और उनको वापरना शुरू करो, तुम्हारी खाद तुम बनाओ उस खाद को वापरो, तुम्हारी पेस्टिसाइड तुम बनाओ, तुमको जरूरत पड़े तो तुम खुद बनाओ, बाजार से कुछ खरीद के मत लाओ। और भारत का शेतकरी एक ऐसी स्थिति में है जिसे कुछ खरीद करने की जरूरत नहीं है, वो अपनी खेती खुद कर सकता है, बशर्ते कि उसको कोई प्रेरित करने वाला हो। क्योंकि अब तक पिछले 20-25 साल में उसको बहुत गलत जानकारी दी गई है, बहुत माहिती ऐसी दी गई है, उसको सबसे खराब माहिती ये दी गई कि बिना यूरिया, बिना डीएपी, बिना सुपर फॉस्फेट, बिना रासायनिक खत के कुछ उत्पन्न नहीं होता, जो सबसे गलत माहिती है। उत्पन्न होने में यूरिया, डीएपी, सुपर फॉस्फेट का कोई हिस्सा नहीं होता, कोई योगदान नहीं होता। मैं आपको इसका सबसे बड़ा फ्रॉड बताता हूं, ये यूरिया, डीएपी, सुपर फॉस्फेट का कितना बड़ा फ्रॉड है, और यहां कोई एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट होगा तो वो तुरंत समझ जाएगा। फ्रॉड ये है कि यूरिया, डीएपी, सुपर फॉस्फेट जितना भी डाला जाता है उसका 1% भी काम में नहीं आता, 1%, 1% भी काम में नहीं आता, 99% यूजलेस जाता है। कैसे जाता मैं समझाता हूं आप। जब भी हम बीज डालते हैं खेत में तो बीज में अंकुरण होता है, अंकुरण धीरे धीरे पौधा बनता है, पौधा बड़ा होता है, बड़ा होता है, बड़ा होता है। आप अगर ध्यान से इस विषय को देखें और समझें तो होता यह है कि पौधा जब अंकुरित होता है और अंकुरित होने से 20-25 दिन के अंदर उसकी कैनोपी आ जाती है, कैनोपी मीन्स उसके पत्ते आ जाते हैं। अब जैसे ये पत्ते आ जाते हैं तो पौधा जमीन से भोजन लेना बंद कर देता है, वो सारा भोजन लेता है सूर्य के प्रकाश से, सारा का सारा भोजन के प्रकाश से लेता है।
जिसको हम सब लोग फोटोसिंथेसिस और जो भी कहना चाहे कहिए। तो उसकी जब कैनोपी आ गई, पत्ते आ गए, तो भोजन लेने का काम तो सूर्य से कर रहा है, तो जमीन से भोजन लेना तो बंद कर दिया। और यूरिया डीएपी आप जमीन में डाल रहे हो, वो कुछ ले ही नहीं रहा, फल तुम्हें डाल रहे हो, टोटल बोगस है, फ्रॉड है। और इतना बड़ा फ्रॉड हिंदुस्तान में चल रहा है पिछले 40 साल से ग्रीन रिवोल्यूशन के नाम पे। और जब मैं हिंदुस्तान के बड़े साइंटिस्टों से ये बात किया कि आप इतना बड़ा फ्रॉड 40 साल से चला कैसे रहे हैं इस देश में, पौधे को जब जरूरत है जमीन से कुछ लेने की, उस समय यूरिया डीएपी होता नहीं वहां, जब उसको जरूरत नहीं है तब वो डाला जाता है। तो उन्होंने कहा हाँ बात तो आपकी सही है, तो ये चल कैसे रहा है? तो ये चल रहा है इसलिए कि ये जो यूरिया डीएपी सुपरफॉस्फेट कंपनियां हैं, इनका कमीशन ऊपर से नीचे तक बट रहा है, नेताओं से अधिकारियों तक, इसलिए ये चल रही है, इसलिए फ्रॉड भी चल रहा है, साइंटिस्ट में भी वही कमीशन बट रहा है। हिंदुस्तान को छोड़कर दुनिया के सभी देश के वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिया है कि जितना यूरिया डीएपी सुपरफॉस्फेट जमीन में डाला जाता है वो 99% वेस्ट चला जाता है और मिट्टी को ही खराब करता है वो। अल्टीमेटली मिट्टी को खराब कैसे करता है? मिट्टी का जो बैलेंस है उसको तोड़ देता है। मिट्टी का बैलेंस है, पीएच उसका 7 के आसपास होना चाहिए, कार्बन कंटेंट उसका 8 के आसपास होना चाहिए, कार्बन कंटेंट को लगातार कम करता जाता है, पीएच को लगातार घटाता बढ़ाता रहता है, तो दोनों स्थिति में टूटता है बैलेंस टूटता है तो खेती में उत्पन्न कम हो जाता है और उसका नुकसान शेतकरी को होता है। तो यूरिया डीएपी का इतना बड़ा फ्रॉड, और उससे भी बड़ा फ्रॉड पेस्टिसाइड का, ये जो पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड है ये इससे भी बड़ा फ्रॉड है। एंडोसल्फन डालो, मेलाथियन डालो, पैराथियन डालो, बेंजीन हेक्साक्लोराइड डालो, ये डालो वो डालो, भाई क्यों डालो? तो कहते हैं जी कीट आया है। अच्छा कीट आया है तो ठीक है, किसी ने उसको बुलाया है तब आया, ऐसी तो नहीं आया। कीट आया है आपकी फसल पे, आपकी फसल को चौपट कर रहा है, तो किसी ने उसको बुलाया, या तो उसके लिए कंडीशन तैयार की है तो वो आया, अदरवाइज कैसे आता? आपके शरीर में कोई वायरस या विषाणु कैसे घुस जाता है? अनुकूल कंडीशन है तो घुस जाता है, अगर प्रतिकूल कंडीशन है घुस के दिखा दे कोई वायरस आपके शरीर में। इसको ऐसे समझने की कोशिश करिए, कोई एक डॉक्टर है सवेरे से शाम तक 50 मरीजों के पास बैठता है, उनके श्वास से निकली हुई दुर्गंध को भी सूंघता है, लेकिन हर डॉक्टर को तो ट्यूबरकुलोसिस नहीं हो जाता, होता है क्या? ट्यूबरकुलोसिस का इलाज करने वाले किसी भी डॉक्टर को ट्यूबरकुलोसिस नहीं हो जाता है। क्यों? उसका अपना इंटरनल बॉडी रेजिस्टेंस या इंटरनल सिस्टम ऐसा है जो आसानी से बाहर के वायरस बैक्टीरिया से लड़ सकता है। ठीक है, आसानी से तो नहीं जाता, आसानी से प्रवेश भी नहीं करता और वो फल भी नहीं दे पाता। इसी तरह से भूमि के साथ होता है, भूमि के साथ भी यही होता है कि आसानी से कोई भी वायरस और बैक्टीरिया आके किसी फसल को चौपट कर दे, ये तो तभी संभव है जब वहां पर उसके लिए कंड्यूसिव कंडीशन हो, माने उसको अपना काम करने के लिए अनुकूल वातावरण मिले, अन्यथा तो ये संभव नहीं है। और वो अनुकूल वातावरण कौन पैदा कराता है? ये यूरिया डीएपी सुपरफॉस्फेट। दुनिया के सभी वैज्ञानिकों ने यह प्रयोग करके देख लिया है कि जो भूमि में यूरिया डीएपी सबसे ज्यादा डाला जाता है उसी भूमि पे सबसे ज्यादा वायरल इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियल अटैक होता है, उसी में सबसे ज्यादा जंतु आते हैं, कीट आते हैं, तो वहीं आपको पेस्टिसाइड ज्यादा चाहिए। अब इसका सरल उपाय है कि यूरिया डीएपी सुपरफॉस्फेट डालना बंद कर दो, आपको जंतुनाशक की भी जरूरत नहीं है, कीटनाशक की भी जरूरत नहीं। तो गेट करार से भारत के शेतकरी बांधवों को बचाने का अब सबसे सरल रास्ता है ऑर्गेनिक फार्मिंग, प्राकृतिक खेती, नैसर्गिक खेती, उसको जो भी नाम देना है नाम दे दीजिए, उससे कोई महत्व नहीं है, उसमें विवाद भी करने की जरूरत नहीं है। बिना रसायन की खेती, माने यूरिया डीएपी सुपरफॉस्फेट एंडोसल्फान मेलाथियन पैराथियन के बिना खेती करना इस देश का किसान जब शुरू कर देगा तो गेट करार की एक भी शर्त उसके ऊपर लागू नहीं होती, गेट करार में से ये रास्ता निकलता है। अर्थात हम हिंदुस्तान के लोग आप सबके साथ मिलकर अगर एक अभियान पूरे देश में चलाएं शेतकरी बांधवों के लिए, नैसर्गिक खेती करो, ऑर्गेनिक फार्मिंग करो, प्राकृतिक खेती करो, सेंद्रीय खेती करो, ये ज्यादा से ज्यादा अभियान चलाया जाए, तो गेट करार से आप 70 करोड़ शेतकरी को बचा लेंगे और हिंदुस्तान को भी बचा लेंगे। क्योंकि हिंदुस्तान की माटी में ये तासीर है कि हम सेंद्रीय खेती कर सकते हैं, यूरोपियन लोग नहीं कर सकते, क्योंकि यूरोप की माटी वैसी नहीं है सेंद्रीय खेती करने लायक। सेंद्रीय खेती होने के लिए माटी की सबसे बड़ी विशेषता उसको सॉफ्ट होना चाहिए, यूरोप की माटी बहुत कड़क है, भारत की माटी बहुत सॉफ्ट है, भारत में संभव है, यूरोप में संभव नहीं है, इसलिए यह हमारे यहां संभव है।
और सेंद्रीय खेती उसी देश में संभव है जहां सूर्य का प्रकाश बराबर मिलता रहे। यूरोप को 8 महीने सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता, हमको 12 महीने सूर्य का प्रकाश मिलता है। 24 घंटे चाहे तो सूर्य के प्रकाश का हम उपयोग कर सकते हैं, 12 घंटे तो सीधे कर सकते हैं, 12 घंटे परोक्ष रूप से कर सकते हैं। तो सूर्य का प्रकाश हमें हमेशा उपलब्ध है। बायोडायवर्सिटी हमारे पास अद्भुत किस्म की है। मिट्टी सबसे सुंदर दुनिया की हमारे पास है। हमारे पास पानी की भी व्यवस्था ठीक ठाक है। बस हमारे शेतकरी बांधव का मानस बदलने की जरूरत है, मन बदलने की जरूरत है, और वो सेंद्रीय खेती की तरफ आ जाए, ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ आ जाए, तो गेट करार से बचने का रास्ता है।